भाई बहनों, इस देश में महात्मा गांधी की चर्चा सबने की। आए दिन महात्मा गांधी के नाम का चर्चा हर कोई करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी का एक सपना अधूरा रह गया। महात्मा गांधी की एक इच्छा अभी उसे पूरा करना बाकी है। करेंगे भैया, दो हाथ ऊपर करके पूरी तादाद से बताइए, क्या महात्मा गांधी की इच्छा पूरी करेंगे? महात्मा गांधी का सपना पूरा करेंगे? महात्मा गांधी की इच्छा परिपूर्ण करेंगे? आपने पूछा तो नहीं उनकी क्या इच्छा थी, ऐसे ही हाँ कह दिया। भाइयों बहनों, महात्मा गांधी जी की जीवन के अंतकाल में इच्छा थी इस देश में से कांग्रेस को बिखेर दिया जाए। महात्मा गांधी की इच्छा थी हिंदुस्तान से कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने महात्मा गांधी की इच्छा पूरी नहीं की। महात्मा गांधी की इच्छा पूरी करने का जिम्मा ये लाखों कार्यकर्ता हमारे सर पर है। करेंगे करेंगे करेंगे। और भाई बहने, अगर महात्मा गांधी का सपना पूरा करने का मतलब होता है कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान, इस देश को कांग्रेस से मुक्त करना है, कांग्रेस के वर्क कल्चर से मुक्त करना है, कांग्रेस के कारनामों से मुक्त करना है, कांग्रेसी करप्शन से मुक्त करना है, भाई भतीजे बाप से मुक्त करना है, लोकतंत्र की सही रूप में स्थापित करने के लिए महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए काम करना। और अगर हिंदुस्तान को कांग्रेस से मुक्त बनाना है तो भाइयों बहनों, हमारा काम है हमारे पोलिंग बूथ को कांग्रेस मुक्त पोलिंग बूथ बनाना। यहां 50,000 से अधिक पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता मेरे सामने बैठे हैं, जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है मुंड ही मुंड नजर आ रहे हैं, मुंड ही मुंड। भाइयों बहनों, यहां से संकल्प करिए, हम वो हमारे पोलिंग बूथ को, हम हमारे गांव को, हम हमारे नगर को, हम हमारे तहसील को, हम हमारे जिले को, हम हमारे राज्य को, हम सब मिलकर के हिंदुस्तान को कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान बनाएंगे। और उसका प्रारंभ हम पोलिंग बूथ से करेंगे, हर पोलिंग बूथ को कांग्रेस से मुक्त कराएंगे। इस संकल्प को लेकर जाएं।